हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है फ्राइडे जुलाई ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ड ऑफ द डे फॉर टुडे इज डी फेम डी फेम डी ई एफ एम ई डी फेम डिफेम का मीनिंग होता है टू हार्म समबडी by saying और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग्स अबाउट हिम और हर यानी कि किसी के भी बारे में कुछ गलत चीज़ें या गलत बातें बोल कर या लिख कर उसे पब्लिश कर कर किसी की इज़्ज़त और सम्मान को ठेस पहुंचाना मान हानि करना निंदा करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डी फेम यानी कि हम किसी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बेजती कर रहे हैं निंदा कर रहे हैं बाई सेइंग और बाय राइटिंग सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड डी फेम टू हार्म सम्बडी बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग्स अबाउट हिम और हर यानी कि गलत चीज़ें बोल के किसी इंसान की जो है रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दैट केस वी यूज़ द वर्ड डी फेम दैट सम वन इज़ ट्राइंग टू डी फेम मी कोई मेरे को मेरी निंदा करने की कोशिश कर रहा है मेरी बेजती कर रहा है जैसे कि इसका जो वर्ड है दूसरा हम देख सकते हैं एक होता है फेम यानी कि फेमस जैसे कहते हैं ना कि इसको इसके बाद नेम फेम मिल गया उसने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली तो फेम का जो ऑपोजिट है वो है डी फेम यानि कि निंदा करना मानहानि करना टू हार्म समबडी सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डी फेम डी फेम

सिनोनिम्स मतलब होता है मिलते जुलते शब्द यानी कि हम डिफेम की जगह किसी भी सेंटेंस में या इंग्लिश स्पीकिंग में इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिफेम नाउ वी मूव ऑन टू द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है ऑपोजिट वर्ड तो अब डिफेम का मतलब क्या है कि, कि किसी की बेइज्जती करना अपमानित करना निंदा करना मानहानि करना तो उसका ऑपोजिट क्या होगा रिस्पेक्ट देना सॉरी कहना इज्जत देना उसको अप्रिशिएट करना सो so, अब देखते हैं एंटोनिम्स ऑफ डी फेम आर एक्सक्यूज पार्डन ऑनर प्रेज रिस्पेक्ट अप्रिशिएट कॉम्प्लीमेंट और मैगनीफाई तो ये आप वर्ड्स देख के ही समझ जाएंगे कि डिफेम का मतलब था मान हानि करना निंदा करना तो उसका ऑपोजिट यानि कि एंटीनेम्स क्या होंगे देखिए इनमें वर्ड्स रिस्पेक्ट देना अप्रिशिएट करना कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ करना मैग्नीफाई करना पार्डन यानी कि माफ़ी मांगना एक्सक्यूज़ माफ़ी मांगना ऑनर देना किसी को सम्मान देना रिस्पेक्ट देना

ये जो आर्टिकल है ये इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये एक ऑनेस्ट मैन को डिफेम यानी कि निंदा उसकी रिस्पेक्ट को उसकी जो एक तरीके से डिग्निटी है उसका जो मान सम्मान है उसको गिराने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में जो भी बातें लिखी गई हैं वो इज़ एन अटेम्प्ट यानी कि कोशिश की गई है टू डिफेम एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार इंसान को एक ईमानदार आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है थ्रू दिस आर्टिकल जैसे बहुत बार होता है कि कुछ लोग किसी के बारे में गलत आर्टिकल लिख देते हैं न्यूज़पेपर में छाप देते हैं किसी को डिफेम करने के लिए उसकी बेज़ती करने के लिए कुछ भी गलत गलत बातें लिख के छाप देते हैं तो दिस इज़ द accurate example to understand this word easily now we move on to the second sentence no one has the right to defame someone तो ये तो बहुत ईजी है कि किसी के पास भी अधिकार नहीं है किसी की मान हानि करने का निंदा करने का किसी के बारे में फॉल्स और बैड थिंग्स बोलने का एलिगेशंस लगाने का जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है गलत है जस्ट वो कही जा रही हैं या लिखी जा रही हैं टू डिफेम सम वन सो नो वन हैज़ द राइट टू डिफेम सम वन किसी के पास भी अधिकार नहीं है किसी की डिसरिस्पेक्ट uh, करने का नाउ वी सी द थर्ड सेंटेंस he was slandered and defamed by others after his death, यानी कि एक आदमी की मृत्यु के बाद उसको बहुत ही बेज़त किया गया उसकी निंदा की गई चुगली की गई उसके बारे में बहुत गलत बातें बोली गई उसको नुकसान पहुंचाया गया डिफेम किया गया सलैंडर किया गया बाय अदर्स लोगों ने उसको उसकी मृत्यु के बाद काफ़ी Uh, अपमान किया उसका निंदा करी गलत बातें बोली सो दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ फोर्थ सेंटेंस इज इफ़ यू ट्राई टू डिफेम माई गुड नेम माई लॉयर्स विल सी यू इन कोर्ट तो देखिए मान लीजिए अगर कोई भी आपका uh, एक तरीके से रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है कुछ कह के या आपके बारे में कुछ बातें लिख के छपवा के तो यू हैव अ राइट कि आप उसको स्यू करो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस uh, करो फाइल करो और आप उसको अदालत तक लेके जाओ केस लड़ो कि क्योंकि कोई आपके बारे में आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है सो so हमारे संविधान में ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू डिफेम यू सो ये आपके पास राइट है अगर कोई भी आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है मान हानि कर रहा है आपकी मान इज्जत पे कुछ लोग गलत बातें कह रहे हैं सो यू हैव अ राइट तो इस सेंटेंस में यही बताया गया है कि इफ़ यू ट्राई टू डिफेम माय गुड नेम माई लॉयर्स विल सी यू इन कोर्ट यानी कि अगर तुम मेरा गुड नेम अच्छा खासा नाम रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करोगे तो मेरे लॉयर्स तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे यानी कि मैं फिर तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूँगी और हम केस लड़ेंगे सो दिस इज़ द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉडी फेम विच मीन्स टू हार्म समबडी बाय सेइंग

This is the end of my video. Thank you. Thank you so much, everyone, for watching my videos daily. I'm so grateful to all of you. Thank you. Thank you so much for watching.